हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर स्कूल.com। तो वालको आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब तक तो हम लोगों ने दर्पण में किरण आर्य देखा था, उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था। फार्मूला मिला था यूबीएफ में, जो संबंध हम लोगों को मिला था वो था 1/f = 1/v + 1/u। रेखीय आवर्धन हुआ करता था m = -v/u = i/o। उसके बाद और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध था वो हम लोगों को मिला था f = r/2। अब तक तो हम लोगों ने फार्मूला देखा। अब हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कैसे न्यूमेरिकल्स में करते हैं, कैसे पहचानते हैं, किस तरह से हम लोग इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके पहचान जाते हैं कि यहाँ कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा, हम लोग न्यूमेरिकल के जरिए इन सब चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग साइन को नहीं रखते, जिससे हमारा न्यूमेरिकल क्या होता है, वो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो याद रखना है इसमें साइन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई माइनस है तो माइनस में लिखना होगा, प्लस में है तो प्लस में लिखना होगा। इसीलिए आपको इसकी पिछले वाले लेक्चर में चिन्ह परिपाटी समझाई गई थी, उस चिन्ह परिपाटी को आप कई बार देखिए, जिससे कि आपको वो चिन्ह परिपाटी हमेशा के लिए याद हो जाए। तो जो हमारा हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है ना। ये बोर्ड के पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, हर साल लगातार पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप हम लोग समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों ने जब समतल दर्पण में किरण आरेख खींचा था, वहां पे एक बहुत बड़ा कंडीशन देखा था। वो कंडीशन ये था कि दर्पण के सामने वस्तु चाहे जितनी दूरी पर रखी गई हो, उतनी ही दूरी पर उसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता था, आभासी प्रतिबिंब बनता था और सीधा बनता था। तो मान लेते हैं अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ देखते थे, यही देखते थे। अर्थात अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो ये भी यहाँ से यहां तक कितना होता था, 10 सेंटीमीटर हम लोगों को मिलता था। कहां पे, दर्पण के पीछे। अगर वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी उसका दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे ही प्राप्त होगी। तो हम लोग दर्पण से जो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से, ठीक है ना, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग V से करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जो V है U के बराबर होगा कि नहीं होगा, U और V की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। चलिए एक बात तो हम लोगों ने समझ गए, अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, आगे की क्या कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो u बराबर कितना है, u बराबर v के है, लेकिन कैसे है, माइनस v। अब देखते हैं कैसे माइनस v हो गया। v की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, v की वैल्यू अगर हम चतुर्थांश में देखे थे, v की वैल्यू समतल दर्पण में धनात्मक होती है, u की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो u है v के बराबर है, u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, v का मान इसमें धनात्मक होता है। तो u अगर माइनस को देखें तो u का मान क्या है, धनात्मक, v का मान, अब माइनस लग जाएगा तो ये किसका मान हो जाएगा, u के मान के बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं u किसके बराबर है, माइनस v के बराबर, ठीक है ना। सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए इस फार्मूले में जो u है वो v के बराबर है, अब u किसके बराबर, माइनस v के। तो जहां पे u दिखाई देगा वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, माइनस v रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v + -1/ कितना, v हो गया, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या हो गया, -1/v - -1/v, ठीक है ना, 1/f। तो बताओ -1/v - -1/v कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बराबर इधर 1/f = 0, तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, जब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो ये पलट करके कितना हो जाएगा, मान लेते इसके नीचे एक है तो पलट करके कितना हो जाएगा, 1/0। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा अनंत आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हम लोगों को f मिल रहा है, f की वैल्यू कितनी आ रही है, अनंत। हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितना होती है, अनंत होती है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। गोलीय दर्पण का भाग होता तो इसके पास क्या होती,
त्रिज्या होती, फोकस होता, वक्रता केंद्र सभी होते हैं इसके पास, लेकिन ये गोली दर्पण का भाग ना होने के कारण इसीलिए इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। तो एक शब्द में अपनी इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दो क्या है? क्वेश्चन नंबर दो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देखो क्वेश्चन को लगाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, ठीक है ना, और कैसे ढूंढ के लिखे उसको, हम कैसे पहचानेंगे क्या दिया गया है, ठीक है ना, और उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी की सहायता लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें दिया गया है दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। सबसे पहले आप दर्पण को लिख लीजिए जिससे कि आपकी चिन्ह परिपाटी कंफर्म हो जाए, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण है। अब इसमें एक एक लाइन आप पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, एक लाइन में जो दिया गया उन चीजों को लिखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से, तो 10 सेंटीमीटर। अभी साइन को मत लगाओ, साइन को भी हम याद करेंगे, ठीक है ना। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, अर्थात कोई वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से। किससे प्रदर्शित करते हैं? U। तो U की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात दर्पण जो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनने वाला है वो कितनी दूरी पर होगा दर्पण से, ठीक है ना। तो हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? V का मान पूछ रहा है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो चलिए पहले, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी की तरफ चलते हैं। तो आपको बताया गया था अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती, कभी धनात्मक नहीं होती, ठीक है ना। और U जो है ये तो हमेशा ऋणात्मक होता ही है, अर्थात ये कभी धनात्मक नहीं होता है, इसलिए फोकस दूरी भी माइनस होगी और अपना ये तो माइनस होता ही है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो U V F के संबंध से हम लोग V के मान को क्या कर सकते हैं? निकालेंगे। तो यहां पे करते क्या है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। आपको मैंने वहां पे पक्षांतर करके फॉर्मूले में दिखाया भी था, 1 अपॉन V बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन V। F की वैल्यू है माइनस 10, ठीक है ना। आगे U की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बटे कितना? माइनस 20, ठीक है। चलिए माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को इधर लिखेंगे, इस ये प्लस वाला इधर लिख देंगे, तो 1 बटे 20, 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 10, ठीक है ना। इधर ही हो गया माइनस 1 बटे कितना? 10, इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो हम लोग एकदम आसानी से कैलकुलेशन कर सके, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 जाएगा, इधर क्या जाएगा? 2 जाएगा, और नीचे इनका एलसीएम क्या होगा? 2, 10 2 बार है तो 1 बार आएगा, 2 1 बार है तो 1 बार आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इधर गया, 1 इधर गया, 1 माइनस 2 बटे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये रहा एलसीएम 1 अपॉन V। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बटे 20, ये आया V। तो अब बताओ जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी पलट जाएगा, और जब ये पलटेंगे दोनों तो यहाँ से हम लोगों को एग्जैक्ट V का मान मिल जाएगा। V का मान कितना मिला? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ हम लोग क्या कह सकते हैं, दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
ठीक है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब क्या होगा हम लोगों को मिलेगा। याद आया कुछ? ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं, पहले तो देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान सा तरीका यह है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है ना, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक न्यूमेरिकल के पास जाकर के न्यूमेरिकल को चिड़ना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, न्यूमेरिकल को जितना ज्यादा हो सके पढ़कर समझिए, क्या क्या दिया गया उसको लिखना सीखिए। लिखने के बाद हम लोगों का लास्ट वाला जो पॉइंट आता है, साइन को कैसे हम लोग याद करके रखते हैं, तो साइन को लगाइए, फिर उसके बाद आप सूत्र लगा करके आप जिसका मान निकालना है आप क्या कर सकते हैं, यानी कि उस मान निकाल सकते हैं। साइंस केवल बस आपका यहीं तक लगा, फार्मूले तक, उसके बाद तो आप क्या कर रहे थे, मैथ का काम कर रहे थे। अगर यही माइनस का प्लस हो जाता तो हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए याद रखना, आपका माइनस प्लस अगर गवर्नेशन हो रहा है, कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन को आसान करिए। ठीक है ना, मैथ्स के टीचर से जितना ज्यादा हो सके कैलकुलेशन के बारे में आप चर्चा करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलकुलेशन ही आप इसमें गलत करेंगे, और कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान देना, कभी माइनस हम लगाना भूल जाते हैं तो माइनस प्लस का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, इसीलिए चीजें साइन के साथ आती हैं जो कि हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसी के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। याद करिए पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किया था वही इसमें भी पूछ रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ने से, तो हमसे वी का मान पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात आर की वैल्यू है, तो अवतल दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। हमें ये पता लगाना है कि वह उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होता है, दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, फिर से वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता है f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r by 2, तो आपको पता है f की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 15/2, r का मान कितना कैसा होता है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात इतना सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी मिल गई, वक्रता त्रिज्या दिया गया था, हम लोगों को पता होता है f बराबर क्या होता है r by 2, तो इससे पता ये चला इनके संबंध से हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया, अर्थात दर्पण के फोकस दूरी की। ठीक है ना, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। आगे चलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो चिन्ह भी लिख लिया। अब दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो उस वस्तु को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से ऐसे बोर्ड के पेपर में हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अगर क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिससे आपके मिलने वाले नंबर कट जाएंगे। तो क्या है सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, फिर से v का मान निकालना है, तो पक्षांतर करने पर हम लोगों को v बराबर क्या मिलता है, 1/f माइनस 1/u। चलिए सबकी वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो f का मान कितना है, f का मान है 1/2, कितना है इसका मान माइनस 15/2। अब ये कितना है माइनस, ब्रैकेट में माइनस 1/2, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, चलिए याद रखना इसमें कई सारे साइन, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ साइन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर अपना माइनस है, जब ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस वाले को क्या कर दे, इधर लिख दे प्लस, क्या हो गया 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माइनस इधर है, तो माइनस लिख देंगे माइनस,
दो ऊपर गया, नीचे क्या है 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 अर्थात 5 × 3 कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे 1/20। अच्छा ऐसा क्यों कर दिया गुणनखंड, गुणनखंड इसलिए किया जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल हो। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 इधर गया 2 इधर गया, ठीक है ना। तो 3 इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 3 × 3 2 × 2 = 4, ये हो गया 4/। अब बताओ इसका कितना जाएगा, 5 2 3, इसका एलसीएम हो गया। तो 3 में से 4 गए -1, ठीक है। 5 × 2 = 10 = 30, 1/20। तो जब इसको भी पलटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो बताओ वस्तु का जो वस्तु जो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, मतलब माइनस है तो दर्पण के सामने होगा, प्लस होता तो दर्पण के पीछे। तो दर्पण के सामने कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है, तो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। अब हम लोग इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें फिर से वही ज्ञात कर रहे हैं, बस दर्पण बदल गया। दर्पण कौन सा, इस बार दर्पण है हम लोगों के पास उत्तल दर्पण। तो पहले दर्पण का नाम लिख लेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर आगे बात करें तो आगे क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो फोकस दूरी डायरेक्ट दिखाई दे रही है कि इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है समतल दर्पण की सब चीज धनात्मक होती है, केवल एक चीज छोड़ करके, वस्तु, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं भाग पे रखा जाता है। तो अगले टॉपिक को पढ़े, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है ना। ध्रुव से देखो जितनी भी दूरी हम लोग मापते हैं दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं, ठीक है ना। दर्पण के ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, दर्पण से जो दूरी है इसकी वस्तु की वो है 30 सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो हम लोगों ने यू लिख लिया, एफ लिख लिया, यू एफ। आगे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है ना, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v + 1/u। पक्षांतर कर देंगे तो 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करते हैं, हम लोगों को वैल्यू बस केवल रखना है डायरेक्ट इसमें उठा के। तो 1/v = f का मान कितना है, f का मान है 15, ठीक है ना। इधर कितना है, माइनस, u का मान कितना है, -30, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको लिख सकते हैं 15 × 1, ये हो गया प्लस 1/15 × कितना, 2। दो इधर गया, एक इधर गया, बाकी ये सेम है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, एलसीएम लेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 15 और दूना कितना, 30, ये आया 30 1/v, ठीक है ना। तो 3/ कितना हो जाएगा, 30, तो कैंसिल करेंगे तो 1/ कितना आएगा, 10, 3 × 3 = 3, 9 = 30, ठीक है ना। तो 1/10, ठीक है ना। तो अब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करने पर हो जाएगा v बराबर ये भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए दर्पण के साथ। अब बताओ यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में, ये प्लस में है, जब प्लस में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे। तो याद रखना जब भी v का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब आपने देखा भी था
कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही कंडीशन हम लोगों को दिखाई दिए थे और दोनों कंडीशन में जो दर्पण बन रहा था वो दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वाले वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवर्धन क्या दिया गया, अर्थात वस्तु यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में मत फंसना, यहाँ पे सीधे सीधे आवर्धन दे रखा है। आवर्धन कह रहा है कि इसका आवर्धन कितना होगा, 1/2 अर्थात आधा होगा। आधा का मतलब 1/2। आवर्धन को लिखते किससे है, स्मॉल m से, ठीक है ना। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमसे दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा दर्पण उसके बारे में लिखेंगे, तो दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, चलो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, वस्तु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो ये कितना है, -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, आवर्धन कितना दिया गया, अर्थात वस्तु की लंबाई की आधी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बताओ अगर हम लोगों के पास आवर्धन है, यू है, ठीक है ना, ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को वी वी नहीं मिल रहा है, तो जब तक वी नहीं मिलेगा तब तक यू वी एफ के संबंध से हम लोग एफ की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों को फार्मूला दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से, ठीक है ना। फिर याद कीजिए, रेखीय आवर्धन से हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, एम बराबर -V/U, ये होता है दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। चलिए सब की वैल्यू को रख देते हैं, तो -V/U का मान कितना है, U का मान है -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू M का मान कितना है, 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। 25 इधर गया, तो V का मान हम लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, तो V का मान यहाँ से मिला 25/2 सेंटीमीटर। अब ये बताओ V का मान प्लस में है कि माइनस में, तो V का मान कैसा है, प्लस में। और उत्तल दर्पण में V का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और जो फोकस दूरी आएगी वो भी धनात्मक ही होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को V मिल गया, U मिल गया, ठीक है ना। अब F की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दर्पण का, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। सबका मान रख लेते हैं, तो 1/V का मान कितना है, 25/2, प्लस U का मान कितना है, -25। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 कहां चला गया, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 2/25 माइनस 1/25, हर समान है तो अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे हम लोगों का आया F बराबर 1/ कितना, 1/F बराबर 1/25। तो जब बताओ उसको दोनों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। तो बताओ उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, कहाँ इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना।